नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2022 में होने वाले सत्ता के संग्राम के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। रैलियों से लेकर जनसभाओं तक जहां भी सीएम योगी को देखिए, फुल भौकाल में नजर आ रहे हैं। क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, वो किसी को भी नहीं बख्शने के मूड में नजर आ रहे हैं। सभी विरोधियों को निशाने पर वो लगातार लेने में जुटे हुए हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ में हुए सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भी सीएम योगी ने एक बार फिर विरोधियों पर हल्ला बोल दिया, लेकिन इस बार उनके निशाने पर विरोधियों के साथ साथ देश के साथ विश्वासघात करने वाले भी थे, जिन्हें सीएम योगी ने जोगेंद्रनाथ मंडल का जिक्र कर तगड़ी नसीहत दे डाली। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे सीएम योगी ने अपने भाषण में दो नेताओं का जिक्र किया। एक थे भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे जोगेंद्रनाथ मंडल। दोनों नेताओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, देश की बात करते हैं तो ध्यान देना होगा कि आजादी के समय देश के अंदर अनुसूचित जात से दो लोग थे जिन्होंने दलित समाज को आवाज दी। एक थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दूसरे बंगाल में जन्मे जोगेंद्रनाथ मंडल। दोनों दबे कुचले लोगों की आवाज बने, लेकिन बाबा साहेब ने हमेशा देश के एकता, अखंडता, समरसता, सुरक्षा और देश हित की बात की, तो वही जोगेंद्र मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन किया। आजादी के समय इस देश के अंदर अनुसूचित समाज में दो लोग थे जो उस समय के दलित समाज की आवाज बने थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा अर्जित की और स्वतंत्र भारत में भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे, संविधान निर्माण में जिनकी अग्रणी भूमिका है, और दूसरे आजादी के कालखंड के दौरान बंगाल के अंदर जन्मे श्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। विद्वता में और उस समय दबे कुचले की आवाज में दोनों समान रूप से आगे बढ़े थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत की एकता और अखंडता के सदैव समर्थक थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सदैव भारत की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के अंदर भले ही सामाजिक बुराइयों का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने सदैव कहा था कि भारत के अंदर रह करके ही, भारत के अंदर रह करके ही दबे कुचले वंचित और दलित समाज के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, कभी नहीं समर्थन किया, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल से गलती हो गई, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। देश के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो किया, उनके योगदान को आज भी पूरा देश याद करता है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन करने का जो काम किया है, उसकी वजह से उनका नाम कोई भूल कर भी नहीं लेता। यही वजह है कि योगेंद्रनाथ मंडल के बहाने सीएम योगी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, देश के साथ खिलवाड़ करने वाले और विश्वासघात करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उनके सामने ही जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर और दलितों पर सरेआम अत्याचार होने लग गया, उन्हें पाकिस्तान से भाग करके आने पड़ा, और 1950 से लेकर 1965 तक भारत के अंदर गुमनाम निर्वासित जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। आज जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हित के लिए जो योगदान दिया, आज जन जन के एक तारणहार है, सबके लिए वे पूजनीय बने हुए हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देता है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई भूल से भी नहीं लेता है। राष्ट्र के साथ होने वाला कोई भी विश्वासघात कभी भी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। जोगेंद्रनाथ मंडल के बहाने देश के साथ विश्वासघात करने वालों को चेतावनी देने के साथ ही सीएम योगी ने सपा पर भी जबरदस्त हमला बोला और कहा, राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों,
दंगे करने वालों पर लगे मुकदमे वापस लेते थे। आतंकियों और दंगाइयों के मुकदमे वापस लेना और दबे कुचले लोगों पर मुकदमा लगाना ही पिछली सरकारों का काम था। जो लोग आपके समाज में झूठे मुकदमे लगाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, आपके हितेशी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मंशा बहुत साफ है। वे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर दंगाइयों के मुकदमों को वापस लेते थे, लेकिन दबे कुचले समाज पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते थे। ये पिछली सरकारों की वास्तविकता थी और उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जाएंगे अपने अपने जनपदों में सम्मेलन करके एक एक घर को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके कैसे कार्य किया जाना, इसके लिए अवगत कराएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली की मंगल कामनाएं। आपको बता दें कि जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के बारीसल में हुआ, जो अब पश्चिम बंगाल में आता है। अविभाजित भारत में जन्म लेने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के जनक माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के बेहद करीबी थे। जिन्ना ने जोगेंद्रनाथ मंडल को ही पाकिस्तान का संविधान सभा का पहले सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। यहाँ तक कि दलित समुदाय से आने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हिंदू होने की वजह से उन्हें इस्लामिक देश पाकिस्तान में जलालत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान से बाहर करने के लिए उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जाने लगा। मंडल को इस बात का एहसास हुआ, जिस पाकिस्तान को उन्होंने अपना घर समझा था, वो उनके रहने लायक नहीं है। मंडल बहुत आहत हुए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। तकरीबन दो सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का मंडल का ख्वाब टूट गया, जिसके बाद वो 1950 में वापस हिंदुस्तान लौट आए और 1968 में 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल को भारत ने भुला दिया, और भारत का साथ देने वाले भीमराव आम्बेडकर को ये देश आज भी याद करता है।